वेलकम दोस्तों दोस्तों आज हम देखेंगे कि अगर हमको कंप्रेसर की फ्री एयर डिलीवरी निकालना है, फ्री एयर डिलीवरी ऑफ कंप्रेसर, ठीक है, एफईडी, फ्री एयर डिलीवरी ऑफ कंप्रेसर इन मीटर क्यूब पर सेकंड या मीटर क्यूब पर आवर में निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, है ना। तो इसको निकालने का सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, क्या है आपको मैं फिगर बना के बताता हूँ। एक कंप्रेसर है, मान लीजिए पूरा कंप्रेशन सिस्टम है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, एक फिल्टर आएगा, ठीक है, फिर फिल्टर के बाद कंप्रेसर आएगा, ठीक है दोस्तों, कंप्रेसर के बाद रिसीवर आएगा दोस्तों, ठीक है, रिसीवर के बाद हमको जब जांच करनी रहती है, फ्री एयर डिलीवरी की जांच करनी है, तो हम एटमोस्फियर में पूरी एयर छोड़ते हैं कंप्रेसर की, तो एक एयर स्ट्रेटनर लगाते हैं, ठीक है, एयर स्ट्रेटनर लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम नोजल मेथड से हम चेक कर रहे हैं, तो एक नोजल लगाते हैं, ठीक है, और नोजल लगा के फिर एटमोस्फियर में एयर छोड़ देते हैं, एयर टू एटमोस्फियर ये छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये क्या हुआ, ये फिल्टर हुआ, इसमें फिल्टर लगा रहता है, दिस इज फिल्टर, दिस इज कंप्रेसर, ठीक है, दिस इज रिसीवर, दिस इज एयर स्ट्रेटनर, ठीक है, दिस इज नोजल अप्लाइड फॉर चेकिंग और ओपन टू एटमोस्फियर। तो यहाँ पे जो हम प्रेशर नापते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे P1 और यहीं पे हम जो टेम्परेचर नापते हैं वो T1 होता है, ठीक है। रिसीवर के प्रेशर को हम P2 बोलते हैं, नोजल के पहले वाले प्रेशर को P3 और टेम्परेचर को T3 बोलते हैं, नोजल के बाद वाले प्रेशर को हम P4, नोजल के बाद वाले टेम्परेचर को हम T4 बोलते हैं, और नोजल का डाई को हम D से बोलते हैं। तो D यहाँ पे 80 mm है, ठीक है, दैट इज 0.08 मीटर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है FAD का, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड में, के इंटू पाई बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर इंटू T1 बाय P1 इंटू रूट ओवर, ठीक है, डिफरेंशियल प्रेशर P3 माइनस P4 इंटू P3 इंटू RA डिवाइडेड बाय T3। ये डिफरेंशियल प्रेशर कहाँ का है दोस्तों, ये वाला है, इन दोनों के बीच का प्रेशर ट्रांसमीटर से हम लेते हैं P3 माइनस P4, ये P3 माइनस P4, ठीक है। तो अब ये डिफरेंशियल प्रेशर की वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है 0.03 kg/cm², ठीक है, P1 की वैल्यू यहाँ पे हमको दी हुई है 1.04 kg/cm², है ना, और P3 की वैल्यू दी हुई दोस्तों, ये P3 है, जो ये P3 की वैल्यू दी हुई 1.08 kg/cm², ठीक है। वैसे ही T3 की वैल्यू दी हुई 40°C और T1 की वैल्यू दी हुई 30°C। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 313°K आएगा, और इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 303°K आएगा, ठीक है। अब सारी वैल्यूज हमारे पास है दोस्तों, हम यहाँ पे इसको पुट अप करते हैं। K को हम ऑलवेज याद रखना, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है तो K को हम नोजल कॉन्स्टेंट को हम 1 मान सकते हैं, तो 1, पाई की वैल्यू 22/7, नीचे में 4 दिया हुआ था डिनोमिनेटर में, डी की वैल्यू 0.08 m², T1 की वैल्यू 303, P1 की वैल्यू 1.04, ठीक है, इंटू रूट ओवर 2 इंटू P3 माइनस P4, दिस इज 0.036 इंटू P3 की वैल्यू 1.08, R की वैल्यू R एयर है ना, गैस कांस्टेंट फॉर एयर 287 joule/kg/cm², तो दिस इज 287 / T3, T3 इज 313। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना दोस्तों, तो ये वैल्यू आएगी 0.391 m³/s, और आवरली निकालना है तो 0.391 × 3600 m³/h, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1407.6 m³/h, ये हमारा m³/h में आंसर आएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसकी हम वैल्यू, हमने ये तो देखा
कि ये सारी चीजें यहाँ पे हम अब हमको ये कैसे पता लगेगा कि हमारी यूनिट बैलेंसिंग ये कैसे आ रही है इस फॉर्मूले में, ये अलग अलग यूनिट की चीजें डाल के हमारा आंसर मीटर क्यूब पर आवर या मीटर क्यूब पर सेकंड में कैसे आ रहा है। तो इसको हम एक बार आपको यूनिट बैलेंसिंग मतलब डायमेंशनल बैलेंसिंग, दिस इज व्हाट लेंथ का क्यूब बाय टाइम, डायमेंशनल बैलेंसिंग हम कैसे कर पा रहे हैं ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, इसको मिटाते हैं। मतलब देखो, मिटाने के पहले मैं बोलता हूँ, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। एफ ए डी ऑफ कंप्रेसर हमने निकाल लिया है, ये आपका फाइनल आंसर है, ये वाला, ये दोनों। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये फाइनल आंसर आ गया, अब हम यूनिट बैलेंसिंग करके देखते हैं यूनिट बैलेंसिंग कैसे होगा। दोस्तों, यूनिट बैलेंसिंग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये नीचे वाली चीज मिटाते हैं, हम इसमें पूरे डायमेंशन डालेंगे, और डायमेंशन डालने के बाद ठीक है T3 था ये। तो कांस्टेंट का कोई वो नहीं होता, कांस्टेंट का कोई वो नहीं होता, डी का डायमेंशन है, ये हो गया मीटर स्क्वायर, टी का डायमेंशन है डिग्री केल्विन, प्रेशर का डायमेंशन है केजी पर सीएम स्क्वायर, तो सीएम स्क्वायर ऊपर आ गया। ठीक है, इंटू रूट ओवर क्या है, टू का कोई डायमेंशन नहीं, इसका डायमेंशन है केजी पर सीएम स्क्वायर। ठीक है, इंटू P3 का, केजी पर सीएम स्क्वायर, इंटू T3 का 1 बाय डिग्री केल्विन, इंटू आर ए का क्या है, जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। ठीक है, अब इसमें आप ये देख लो, एक सीएम स्क्वायर ये, एक सीएम स्क्वायर ये, दोनों को काट दो, ये कट गया। ठीक है, एक केजी ये, एक केजी ये काट दो, कट गया। एक डिग्री केल्विन, एक डिग्री केल्विन काट दो, ये कट गया। अब आपके हाथ में क्या बचा दोस्तों, बाहर में 1 मीटर स्क्वायर इंटू है ना, रूट के अंदर क्या बचा, जूल बाय केजी। ठीक है, जूल बाय केजी आपके पास बचा है ना। अब आप क्या करो, आप ऐसा लिखो, मीटर स्क्वायर इंटू जूल, जूल को आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाय केजी, ये पूरा अंडर ब्रैकेट है। अब अगेन यहाँ पे मीटर स्क्वायर था इंटू रूट के अंदर में न्यूटन, न्यूटन को आप क्या लिख सकते हो, केजी पो मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन को आप क्या लिख सकते हो, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू मास, ऑलरेडी ये मीटर था ही ऑलरेडी, डिवाइडेड बाय केजी था, कि केजी केजी कट गया, यहाँ पे मीटर स्क्वायर बाहर में है और अंदर में बचा मीटर स्क्वायर बाय सेकंड का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर इनटू मीटर बाय सेकंड, दैट इज इक्वल टू मीटर क्यूब पर सेकंड, या हम इसको बोल सकते हैं एल का क्यूब बाय टाइम, दिस इज डायमेंशनल बैलेंसिंग। इस फॉर्मूले से मीटर क्यूब पर सेकंड में कैसे आंसर आता है ये मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा था। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।